Good morning, children. Welcome all of you in today's class. Today we are in the second chapter of your textbook, Death of a Clerk. So let's see what is important in this chapter. Death of a Clerk is an interesting story. और एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए. राइट अ समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी डेथ ऑफ अ क्लर्क इन योर ओन वर्ड्स. तो मोस्टली समरी ही आती है इन अबाउट 150 वर्ड्स. या फिर क्वेश्चन में डू यू फील दैट द एंड ऑफ द स्टोरी डेथ ऑफ अ क्लर्क इज प्रॉपर. इफ नॉट व्हाट सॉर्ट ऑफ एंड यू वुड कंसिडर प्रॉपर. तो क्या आपको लगता है कि इस कहानी का एंड जो है वो ठीक है, और अगर नहीं तो आपके हिसाब से उसका एंड क्या होना चाहिए. एंड देन कंसिडर योर सेल्फ एज द क्लर्क एंड री राइट द स्टोरी ऑफ डेथ ऑफ अ क्लर्क फ्रॉम योर ओन साइड. तो अपने आप को क्लर्क मानकर आपको इस स्टोरी को बताना है. तो इन तीनों ही केसेस में अगर आपको समरी पूछी जाए तो आपको समरी तो लिखनी ही है. अगर आपको एंड पूछा जाए कि ये प्रॉपर है क्या है कि नहीं, तब भी आपको पहले समरी बतानी होगी. अगर आपको एज अ क्लर्क इस स्टोरी को लिखना है तो बस आपको क्लर्क के जगह पर आई करके समरी को चेंज करना होगा. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. So children, let's start with the summary of this chapter. The short story Death of a Clerk tells us a heart-touching story about a clerk who accidentally sneezed over a person while in a theater. तो एक क्लर्क था जो थिएटर में नाटक देखने गया हुआ था और वो अचानक से छींक पड़ता है. As the person over whom he sneezed was a civil general, he went to apologize. अब जिस आदमी के ऊपर इसने छींक दिया था वो एक सिविल जनरल था, हायर ऑफिसर था, तो ये उसके पास माफी मांगने जाता है. What happens afterwards constitute the theme of the story. और उसके बाद क्या घटनाक्रम होता है यही इस स्टोरी की थीम है. A clerk named Eva Dimitrich Chervico went to a theater and was enjoying an opera in a jolly mood. तो ये जो क्लर्क था इवा ड्रमिटिच चर्बिको, ये एक रशियन नेम है, तो ये थिएटर में ओपेरा देखने के लिए जाता है. ओपेरा एक स्टेज पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम होता है और इसमें कभी कभी डांस और एक्टिंग भी होती है, जैसे हम स्टेज पर नाटक देखते हैं. तो द क्लर्क वॉज सो हैप्पी दैट ही थॉट हिमसेल्फ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. तो ये क्लर्क इतना खुश था जैसे हम टॉकीज में फिल्म देखने जाते हैं और फील करते हैं, वैसा ही उसे लग रहा था कि वही दुनिया का सबसे खुश इंसान है. बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. ऑल ऑफ अ सडन ही स्नीज्ड लाउडली विदाउट इवन कवरिंग हिज माउथ विथ अ हैंडकरचीफ. तो अचानक से वो छींक पड़ता है जोर से और अपने मुंह को कवर भी नहीं कर पाता हैंडकरचीफ मतलब रुमाल से. And then what happens? Let's see. At first, he felt no embarrassment, thinking that it is natural to sneeze and everyone has the right to sneeze anytime. तो पहले तो कुछ देर तक उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता. एम्बरासमेंट में मतलब कंफ्यूजन या परेशान हो जाना. तो पहले उसको लगता है कि इट इज नेचुरल टू स्नीज, छींकना तो एक प्राकृतिक घटना है और एनी पर्सन कैन स्नीज एनी वेयर, कोई भी आदमी कहीं पर छींक सकता है. बट वेन ही सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम द सिविल जनरल ब्रिजालो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाइपिंग हिज बाल्ट head with a handkerchief, he did feel embarrassed. तो थोड़ी देर बाद उसने सामने देखा कि किसी को उसकी छींक से परेशानी तो नहीं हुई है. तो जब उसने देखा कि सामने की रो में ये क्लर्क सेकेंड रो में बैठा हुआ था और सामने की रो में एक सिविल जनरल ब्रिजालो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय से एक जनरल थे ब्रिजालो, तो वो अपने बाल्ड हेड, बाल्ड मीन्स गंजा, तो गंजे सिर को रुमाल से पोंछ रहे थे. तो ये देखकर क्लर्क को बहुत बुरा लगा. ही फेल्ट एम्बरास्ड,
He went to the general to apologize, but the general did not pay much attention to him. तो वो जनरल के पास सामने झुककर उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उस समय जनरल ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. The clerk was now no longer the happiest man. तो अब क्लर्क को बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा था. अब उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है. He again went to the general in the interval to ask forgiveness, but he couldn't explain his conduct and he thought that the general was not convinced. तो क्लर्क को ऐसा लगा कि हो सकता है थिएटर में चूंकि प्ले चल रहा है इसलिए जनरल ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा. He came to him again in the interval. तो इंटरवेल में गया और उसने फिर उससे माफी मांगी, लेकिन इस बार भी वो अपनी बात को नहीं समझा पाया और उसे ऐसा लगा कि जनरल अभी भी नाराज है. He returned home and told his wife about the incident. अब ये बात उस क्लर्क के दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी, वो बहुत टेंस्ड था. तो घर आकर उसने अपनी वाइफ को भी ये बात बताई. She suggested him to go again to the general and apologize. Otherwise, the general would think that he did not know how to behave in a company. तो उसकी वाइफ ने भी ये सजेशन दिया कि आपको उस जनरल के पास फिर से जाकर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो ये सोचे कि आपको पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक जगह पर कैसे बिहेव करना चाहिए ये आता ही नहीं है. The next day, he went to his office to apologize for his conduct. But on seeing him again, the general was irritated and ordered him to go out, saying that the clerk was laughing at him. तो दूसरे दिन ये क्लर्क फिर से तैयार होकर जनरल के ऑफिस में जाता है, लेकिन इस बार जो सिविल जनरल था उसको देखते ही बहुत नाराज होता है और ऑर्डर्ड हिम टू गो आउट, उसको बाहर भगा देता है ये बोलकर कि यू आर लाफिंग एट मी, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, तुमने मेरा मजाक बना दिया. द क्लर्क वॉज नाउ इवन मोर डिस्ट्रेस टू हियर दिस वर्ड्स. तो ये बात सुनकर क्लर्क और दुखी हो जाता है कि मैं उस आदमी के ऊपर कैसे हंस सकता हूँ, मैं तो सिर्फ माफी मांगने आया हूँ मेरे छींकने से उसको जो परेशानी हुई उसके लिए. He decided to write a letter to the general, but could not find a word. तो उसने अब डिसाइड किया कि नाउ आई विल नो लॉन्गर गो टू दैट जनरल, नाउ आई विल राइट अ लेटर टू हिम. अब मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब मैं जनरल को एक लेटर लिखूंगा. लेकिन वह सोचता ही रह जाता है, उसको वर्ड्स ही नहीं मिलते, समझ ही नहीं आता कि लेटर में क्या लिखूं. सो ही अगेन वेंट टू द जनरल, बट दिस टाइम द जनरल वॉज इवन मोर फ्यूरियस एंड शाउटेड एट हिम एंग्रीली. तो फिर से वो उस जनरल के पास माफी मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन इस बार जनरल और ज्यादा नाराज होता है, गुस्सा करता है और इसके ऊपर जोर से चिल्लाता है और उसे बाहर भगा देता है. सो एट लास्ट ही रिटर्न्ड होम मैकेनिकली, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ रिमोर्स. अब इस क्लर्क को इतना दुख होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे अंदर से किसी ने काट कर रख दिया हो और उसका हार्ट जो है फिल्ड विथ रिमोर्स, पश्चाताप से भरा हुआ है. उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बार कोशिश की, बट द जनरल इज नॉट एट कन्विंस्ड, अभी तक उसने मुझे माफ नहीं किया. ही ले डाउन ऑन सोफा एंड डाइड एट वंस. तो ऐसे ही टेंशन में वो घर आकर अपने सोफे पर बैठता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है. सो दिस इज अबाउट द स्टोरी. नाउ दिस इज अबाउट एंड ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी टेल्स अस हाउ फार अ लिटिल मैटर कैन डिस्ट्रॉय अवर लाइफ व्हेन वी थिंक टू मच अबाउट इट. तो ये स्टोरी हमको ये सीख देती है कि अगर हम छोटी सी बात के ऊपर बहुत टेंशन ले, बहुत ज्यादा सोचें, तो ये किस तरीके से हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है. द एंड ऑफ द स्टोरी इज एब्रप्ट. एब्रप्ट मतलब होता है अचानक से कुछ होना या सडन एंड. तो स्टोरी का एंड अचानक से ही हो जाता है. क्लर्क सोफा पर आकर बैठा और उसकी डेथ हो गई, तो अचानक ऐसा कैसे हुआ हमें भी लगता है. एंड इट अराउज नो सरप्राइज, जिसके कारण इसमें कोई सरप्राइज या एक्साइटमेंट नहीं आता. अराउज मतलब होता है जगाना.
I think it should have a better ending. मुझे लगता है कि इस कहानी का अंत कुछ बेहतर होना था. The clerk must have given a chance since he had not committed any severe crime. तो क्लर्क को एक चांस मिलना था इसलिए क्योंकि उसने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया था. सो द जनरल कुड हैव गिवन हिम एनी सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट. जनरल उसको कुछ भी पनिशमेंट देता लेकिन इस तरीके से इसका मौत हो जाना दैट इज नॉट सुटेबल. ये ठीक नहीं है. द क्लर्क शुड नॉट हैव डाइड एज इट इज नॉट सो बिग इश्यू टू स्नीज. तो क्लर्क को हमारे हिसाब से इस स्टोरी में मरना नहीं चाहिए था इसलिए क्योंकि किसी के ऊपर छींक देना ये इतना बड़ा इशू नहीं होता है. तो अगर आपको ये पूछा जाए कि स्टोरी का एंड प्रॉपर है कि नहीं तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा. और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू नरेट द स्टोरी एज अ क्लर्क, तो एक क्लर्क होकर अगर आपको कहानी लिखनी है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आई एम अ क्लर्क एंड आई वेंट टू अ थिएटर टू वॉच एन ओपेरा. तो जिस तरीके से हमने ही करके स्टोरी नरेट की है उसकी जगह आपको आई करके पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन समरी या आंसर आपका सेम ही रहेगा. ओके सो अगर आपको लगता है कि एंड स्टोरी का ठीक है तो आप उसे भी अपने तरीके से लिख सकते हैं. तो ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जांपल है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली. अगर आपको कोई भी डाउट है या सजेशन है यू कैन राइट ऑन द कॉमेंट सेक्शन. ओके थैंक यू.